आइस की परत जम जाती है। हमारे यहाँ वैसे इसको खाकर बोलते हैं अन्नपूर्णा पीक। एक ये बंदा है तैयार नहीं हुआ, क्यों भाई अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? चार दिन बाद आ रहा हूँ। कुछ अलग ही बात थी सुबह की। पूरा आसमान धुला सा लग रहा था, सारे पहाड़ धुले से लग रहे थे और ढके हुए थे बर्फ की एक सुंदर सी चादर से। तीन चार दिन हो गए थे फिर भी लोगों का क्रेज मेरी बाइक के लिए कम नहीं हो रहा था। कोई आ रहा पूछ रहा कितने की है, कितना इसका माइलेज है, क्या इसकी पावर है, कैसी ये बाइक है। बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी एडवेंचर को लेकर हर किसी के मन में। जब मैंने ली थी 3.5 की थी, अब तो 4 की हो गई है। पहाड़ में 25, अब जैसे इधर को आने में तो लगातार पहला या दूसरा ही लग रहा था। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हो? पिथौरागढ़ के हैं। आप पिथौरागढ़ के हो? अच्छा, हल्द्वानी तो वैसे भी पिथौरागढ़ वालों का आना जाना होता ही रहता है। क्योंकि कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार है वो है ही, वो सारे काम वहीं से होते हैं। सबसे बड़ा शहर भी कुमाऊं का वही है। और फिर समय आ गया था इस खूबसूरत जगह और लाजवाब लोगों से विदा लेने का। ठीक है, वो कहाँ रखा? इंटरकॉम चार्ज में लगाया था ना। हाँ यार, इधर को भी धूप आ जाती, उधर सही हो रखा है। रोड ठीक ठाक मिल जाए बस, कल जितना भी कीचड़ होगा ना तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे उससे कमी हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर हम ये आज तो लगेज भी है ना, गाड़ी भारी है। फॉर्मेशन वही रखते हैं, आप आगे रहना, इसको बीच में रखेंगे पीछे लूँगा। रहने दो उसको, बैटरी भी हो सकता है ख़राब होने लग गई हो, 2 साल पुरानी है ना, बहुत सारा यूज़ कर रखा ना मैंने, हो सकता है उसकी उम्र हो गई हो। बहरहाल गुंजी का सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था जो कि मैंने सुबह 4:45 बजे वीडियो लिया था। सो गाइस, रात भर बारिश हुई है और जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उसमें काफ़ी बर्फबारी हुई है। सामने दिख रहा है अन्नपूर्णा पीक और देखिए इधर पे भी, अभी आसमान साफ है, गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर और इनके ऊपर क्या होता है ना, ओस जब पड़ती है एंड देन काफ़ी ठंडा हो जाता है तो कुछ इस तरीके से आइस की परत जम जाती है। हमारे यहाँ वैसे इसको खाकर बोलते हैं पहाड़ी में, काफ़ी चिकना रहता है ये, जस्ट लाइक ब्लैक आइस। फिलहाल आज बढ़ना है यहाँ से आगे, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आज रोड हो सकती है ख़राब और काफ़ी बारिश हुई है रात को, पूरा का पूरा रोड जो है मिट्टी का ही है। लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। सो भाई, इतने दिनों बाद आज बोल सकता हूँ बहुत अच्छे से ठंड लग रहा है यहाँ पर, हालांकि पहले दिन भी लगा था बट इतना नहीं लगा था जितना आज लग रहा है। और सामने देखो अन्नपूर्णा पीक, बहुत सुंदर नज़ारा है, हर जगह बर्फ गिरी हुई है, सूर्योदय हो रहा है, आसमान बिल्कुल नीला है, हर जगह थोड़े बहुत बादल हैं और गाड़ियां यहां पर रेडी हो गई हैं। ये अपनी गाड़ी भी रेडी है, राहुल भाई सामान बांध रहे हैं, यानी इसकी गाड़ी रेडी हो गई, सर की गाड़ी रेडी हो गई है। अब बढ़ेंगे यहाँ से पुंछारी की तरफ। ओप्रो की बैटरी डाउन है, सर ने लगाया चार्जिंग पे, फिर से रात भर चार्जिंग पे पड़ा हुआ था फिर भी डाउन हो गया, डोंट नो व्हाई, हो सकता है बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से ड्रेन आउट हो गई हो। फिलहाल अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे, जाएंगे हम मुंशारी की तरफ, वहीं आज हॉल्ट करेंगे और जितना जल्दी हो सके मुंशारी पहुँचने की कोशिश करेंगे, सो दैट थोड़ा बहुत नेटवर्क वाले एरिया में आ जाएं और जो भी काम अपने पेंडिंग्स हैं वो भी हम कर सकें। साथ ही साथ आज की भी मेजर रिकॉर्डिंग जो होगी वो अपने Insta360 से ही होगी, क्योंकि GoPro काम नहीं कर रहा है, बैटरी डाउन है। गाइस, इट वर मिक्स्ड इमोशंस वाइल सेइंग गुड बाय टू गुंजी। वहाँ हमने बहुत मस्ती की थी यार, बहुत मज़ा आया था, बहुत नया एक्सपीरियंस मिला था गुंजी के बाद और कुछ फ़ोटोज़ भी ली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
सुबह की ये धूप बहुत रिलैक्सिंग थी गाइस, बहुत रिलैक्सिंग थी, मस्ट नीडेड मैन। इतना ही नहीं, लोकल्स कुछ गाना भी गुनगुना रहे थे जो मुझे बहुत प्यारा लगा और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया वापस से आप गाओ जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। टी पूज गए छू कलमुनी मंदिर गिर गुंबटी पूज गए छू कलमुनी मंदिर होय होय गिर गुंबटी पूज गए छू कलमुनी मंदिर यो डांडा कुपारा देख चनार न्यारा यो डांडा कुपारा देख चनार न्यारा देख चनार न्यारा। बहुत प्यारी आवाज है आपकी। अभी तैयारी में लिया हूं सर, थोड़ा कुल्ला उल्ला करके थोड़ा हाथ मुंह धो के नहा दोगे और अच्छी आवाज आती है। चलिए बढ़िया है सर, ये भी जो है ना हमारे लिए तो टॉप ऑफ द स्काई है। तो गूंजी में मेरा स्टे तो बहुत प्लीजेंट रहा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बंदे की डिटेल्स जो कि वहाँ का ओनर है और सारी की सारी आपकी जर्नी जो है अरेंज भी करता है। आप चाहो तो उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर है का जगह है यहाँ गुंजी में, किस नाम से गेस्ट हाउस आपका? अभी जिसका गेस्ट हाउस का नाम रखा नहीं है, सोचा नहीं है, वैसे वैदिक होम स्टे रखने की सोच रहे हैं। तो भाई ये है हमारे संजय भाई, मेरे साथ जो सबसे बड़ा खाने का प्रॉब्लम था प्याज लहसुन वाला, वो इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया और प्याज लहसुन वाली चीज नहीं खिलाई मेरे को। धन्यवाद संजय भाई। संजय भाई का नंबर ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में पहले भी शेयर कर चुका हूँ, अभी वापस से शेयर कर दिया जाएगा। संजय भाई वापस बता दो अपना नंबर। मेरा नंबर है 8445921444। ठीक है भाई, ये नंबर वापस है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, संजय भाई ने खुद बोल भी दिया। ठीक है संजय भाई, बहुत बढ़िया स्टे रहा आपने। तो भाई काफी देर हो गई थी हमें वेट करते करते, अनीश का वेट हम कर रहे थे कि कब हम निकलेंगे, कब वो आएगा, और वो कहाँ बिजी था बताऊं, खुद ही सुन लो यार। भाई बाकी सब तैयार हो गए हैं, एक ये बंदा है तैयार नहीं हुआ। क्यों भाई अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? चार दिन बाद आ गया हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देखो भाई चार दिन में पहली बार सनास गया है बंदा, अब क्या करोगे इसका? हजम हो गया, फिर चार दिन बाद हगने जाऊंगा। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये बंदा अपने पेट में खुद सेप्टिक टैंक लेके चलता है क्यों? अभी इसके खुद पेट में इनबिल्ट टैंक है और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो गाइस यहाँ पर गए हम गर्बियां और चाय पानी पी रहे हैं, एक छोटा सा कुकर भी है। रशिया घुमाया ट्रेन देखे, बहुत कम खर्चे में घूमता है ना। कल इतना ठंडा था, इतनी बारिश थी कि यहाँ भी ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं अच्छी खासी बर्फ गिरी हुई है। इसकी हरियाली देखो यार, क्या गजब हरियाली है।